सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पीपेप क्या है और पीपेप के अंदर कितने डॉक्यूमेंट हमको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है क्वालिटी इंजीनियर्स के लिए, प्रोडक्शन इंजीनियर्स के लिए। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है, आप अगर CNC मशीन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात होगी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीपेप एक्चुअल में है क्या। पीपेप का मतलब होता है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, यानी कि किसी भी पार्ट को बनाने से पहले एक एग्रीमेंट होता है। ये जो एग्रीमेंट है बेसिकली उन कंपनीज के बीच में होता है जो लार्ज नंबर ऑफ स्केल के प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि मारुति सुजुकी है, उसके जो कार हैं उसके अंदर जो है 1 लाख से ज़्यादा कंपोनेंट बनते हैं। अब वो सारे के सारे पार्ट जो है वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो उसके Tier 1, Tier 2 या Tier 3 सप्लायर जो है बना के उसको देते हैं। तो वो जो डिज़ाइन है अपने कंपोनेंट की डिज़ाइन है उसको जो है अपने सप्लायर Tier 1 सप्लायर Tier 2 सप्लायर के थ्रू जो है वो बनवाता है। तो उनके बीच में जो है एक एग्रीमेंट बनवाता है और एग्रीमेंट बनाने के लिए जो है उसको करीब 19 डॉक्यूमेंट जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो सप्लायर और कस्टमर दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि भाई ये आपको प्रिपेयर करने हैं, इस स्टैंडर्ड की आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जो जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको देनी है। अब ये जो स्पेसिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं कि भाई दोनों कस्टमर और सप्लायर के बीच में होगा, तो वो एक 19 डॉक्यूमेंट बनाएंगे। अब ये 19 डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पीपेप की चेकलिस्ट है, ठीक है। इसमें जो है आपको 19 डॉक्यूमेंट बनाने हैं। ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो है इस टाइप का एक फॉर्मेट मिल जाएगा, यहाँ पर जो है आपको कस्टमर का नाम लिखना है, ये आपको असेंबली नंबर है जो कि पार्ट नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पार्ट का डिस्क्रिप्शन यानी कि जो पार्ट का नाम है या डिटेल है वो यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको ये चीज़ें आपको समझा देता हूँ कि ये चार्ट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। ये डिज़ाइन रिकॉर्ड, इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट, कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल इफ़ रिक्वायर्ड, डिज़ाइन FMEA फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, उसके बाद आता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम, उसके बाद आता है प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस जिसको FMEA बोलते हैं, उसके बाद होता है आपका कंट्रोल प्लान, उसके बाद आता है MSA, उसके बाद आता है डायमेंशनल रिजल्ट्स, ठीक है, मटेरियल परफॉर्मेंस रिजल्ट्स, इनिशियल प्रोसेस स्टडी, क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर क्या है कि लेबोरेटरी से जो रिपोर्ट आती है मटेरियल की वो सब यहाँ पर आपको लगानी होती है, ठीक है। अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, जैसे कि आपका विजुअल इंस्पेक्शन होगा तो उसका जो कलर क्या रहेगा, क्या इसके स्टैंडर्ड्स रहेंगे, वो आपको यहाँ पर देने होते हैं, ठीक है। सैम्पल प्रोडक्शन पार्ट, जो आप सैम्पल बनाएंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ में जो आपके मास्टर सैम्पल हो गए, जो आप अप्रूव कर देंगे कि भाई ये जो है सैंपल इसके अकॉर्डिंग जो है आपको फर्दर प्रोडक्शन करना है, तो वो मास्टर सैंपल्स जो है ये आपको रिटेन करने हैं, कहाँ पर रिटेन करने हैं, कहाँ नहीं करने, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा मैं आप पे, ठीक है। चेकिंग एड्स, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे, भाई ये कोई भी पार्ट बनाएंगे तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब आता है कि आप पार्ट सबमिशन वारंट, पार्ट सबमिशन वारंट वो वारंट होता है जिसके अंदर जो है दोनों ही पार्टीज़ एग्री करती हैं कि भाई मैं जो है आपसे हर साल इतना क्वांटिटी में ये प्रोडक्शन करवाऊंगा, ये मटेरियल मेरे पास चाहिए, ठीक है, मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है और आप जो है मुझे इस टाइम पे इतने इतने इंटरवल पे आप देंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड रहेगा, वो सारी की सारी जो एग्रीमेंट डिटेल है वो आपकी पार्ट सबमिशन वारंट में रहेगी, ठीक है। उसके बाद होता है आपका पैकिंग स्टैंडर्ड, जब आप मटेरियल कस्टमर के एंड पर पहुँचाएंगे, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है वो कस्टमर के एंड पर जब पहुंचाएगा तो उसको पैक करके भेजेगा, तो किस कंडीशन में पैक करके भेजेगा, ठीक है, वो भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कि भाई मैं जो है रैप करके दूंगा या फिर आपको वुडन पैकिंग करके दूंगा, आपको जो है बॉक्स की पैकिंग करके दूंगा, तो वो डिपेंड करेगा आपका पैकिंग स्टैंडर्ड के एग्रीमेंट में, ठीक है, तो वो आप पहले से ही इसमें करते हैं एग्री।
उसके बाद आता है आपका कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। देखो ये 18 डॉक्यूमेंट तो आपके हो गए, लेकिन अगर कस्टमर चाहता है कि भाई मुझे जो है कुछ और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है मेरी अलग से, जो है आप इस मटेरियल को इस कंडीशन में देंगे और इतनी क्वांटिटी में देंगे, अलग से कोई उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट आती है, तो वो 19वें डॉक्यूमेंट में आती है। ये अनरिजर्व्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ और फॉर्मेट्स वो अलग से ऐड कर सकता है। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं इनके नाम जो है वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, उनके अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप मारुति के सप्लायर हैं तो मारुति के जो फॉर्मेट्स होंगे वो कुछ अलग टाइप से होंगे, और होंडा के अंदर अगर आप काम करेंगे तो होंडा के जो सप्लायर होंगे वो अपने हिसाब से स्टैंडर्ड के डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि OEM के ऊपर डिपेंड करता है। OEM मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो भी अपना OEM होगा वो अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट मंगाएगा और आपको देगा कि भाई ये इस तरीके से आप प्रिपेयर करिए, ठीक है। इसके अंदर जो डेटा लगेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं यहां पर आपको लीजेंड्स बता देता हूं कि लीजेंड्स क्या है, ठीक है। अब देखिए लीजेंड में आप यहां पर देख सकते हैं एस का मतलब है सबमिटेड टू द कस्टमर, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट है वो आपने कस्टमर एंड पर सबमिट करना है, ठीक है। ये हो गया एस का मतलब, ठीक है। आर हो गया आपका रिटेन एट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, मतलब कि जहां पर जो कंपोनेंट है वो बन रहा है वहां पर आपको रिटेन करना पड़ेगा इसको, ठीक है, आपको वहां पर रखना पड़ेगा। एंड मेक अवेलेबल टू द कस्टमर इफ रिक्वायर्ड, और जब कस्टमर मांगेगा आपसे तो आपको जो है उसके लिए अवेलेबल कराना पड़ेगा, समझिए, ठीक है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होते हैं जब कस्टमर आपके पास ऑडिट करने आता है या फिर आपसे मांगता है, तब आपको जो है वो डॉक्यूमेंट उसको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये कौन प्रोड्यूस करेगा, ये आपका सप्लायर करेगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ आर रिटेन एट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पे आपको रखना है उसको, उसको संभालना है, उसको मेंटेन करना है, ठीक है। ये नहीं है कि बस ये एक फॉर्मेट ले लिया उसको रख लिया, इसमें आपको फिलअप भी करना पड़ेगा, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा होगा वहां पर एंट्री करनी होगी, ठीक है। तो वो OEM आके एंट्री नहीं करेगा, ये आपका जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पर जो है आपको इसकी फिलिंग करनी है, चाहे आपका ऑपरेटर करे, सुपरवाइजर करे, इंजीनियर करे, जिसकी ड्यूटी वहां पर अलॉट होगी वो उस डॉक्यूमेंट को मेंटेन करेगा और रखेगा वहां पर, ठीक है। तो ये कब अवेलेबल होगा, जब कस्टमर अपना ऑडिट करवाएगा, ठीक है। जब कस्टमर आएगा आपके यहाँ पे, आपके मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किसी भी टाइम पे वो आपके यहाँ ऑडिट कर सकता है, आपको एक नोटिस देगा कि भाई मुझे जो है ये देखना है आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। एक्चुअल में ये इसलिए होता है, मैं आपको ये बता दूं कि अगर मेरा आपके साथ एग्रीमेंट है, आपने बोला कि भाई मैं आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब आप अपने एंड पर चले गए, आप अपने होम लोकेशन पर पहुँच गए, आप मेरे पीठ पीछे जो है अपने हिसाब से जो है उसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं, कोई चीज़ जो है गलत तरीके से बनवा रहे हैं, कोई रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि भाई ये जो है ओरिजिनल काम जो है आपके यहाँ सही तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं आपके यहाँ चेक करने आऊँगा कि आप वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं, वो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप जो है डुप्लीकेसी तो नहीं यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। तो वो चीज़ें जो है इसलिए जो है ये आपको अवेलेबल करानी होती हैं जब कस्टमर ऑडिट करता है। कस्टमर ऑडिट करने का मतलब है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होगा तभी जो है आपके पास वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो स्टार है, स्टार का मतलब है रिटेन एट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन एंड सबमिट टू द कस्टमर इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। ये स्टार का मतलब है कि आप जो है अपने एंड पर जो है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हुई वहां पर आपको रिटेन करना है और सबमिट करना है जाके कस्टमर एंड पर, ठीक है। टाइम टू टाइम जो है आपको सबमिशन आपको देना है, जैसे कि मंथली दिया है अगर आपको या वीकली दिया है, तो जब भी आपके पास जो मटेरियल का प्रोडक्शन हुआ है वो आप वहाँ पर सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके लीजेंड्स हैं, अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि ये एक्चुअल में क्या है इसका, ठीक है। सबमिशन रिक्वायरमेंट लेवल, अब ये सबमिशन रिक्वायरमेंट लेवल ये होता है, यहाँ पर क्या होता है कि 5 लेवल में डिवाइड कर दिया, आप जो है अलग अलग कंपनीज के हिसाब से जो है 3 लेवल में डिवाइड होता है, किसी में 5 में होता है, किसी में 7 में होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि पहले जो दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, ये होते हैं आपके अप्रूवल होने से पहले के प्रोसेस, यानी कि इन हाउस जब आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं, प्री अप्रूव्ड हो रहा है, जब अब तक जो है आपका प्रोडक्शन अप्रूव नहीं हुआ है, उससे पहले जो है आप अपने यहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो जो है आप इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये जो है आपका थर्ड लेवल है, ये आपका हो गया है फाइनल, जिसमें जो है आपने अप्रूव्ड कराने के लिए अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिया, ठीक है। फोर्थ लेवल है जब आपके कस्टमर एंड पर पहुंच गया है, तो वो ये इस कंडीशन में आप यहाँ पर रखते हैं कि भाई आपने जो है वहाँ पर सबमिट करा दिया, ठीक है। फिफ्थ लेवल होता है कि ये अप्रूव्ड हो चुका है, अब आप जो है प्रोडक्शन में लाइए और आप जो है इसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो ये अब इसमें देख लीजिए, डिज़ाइन रिकॉर्ड का मतलब होता है कि भाई ड्राइंग है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई आपकी जो आपको रखनी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी हो सकती है, वहाँ पर आपका 3D मॉडल भी हो सकता है, या फिर आपका ब्लूप्रिंट्स भी हो सकता है, ठीक है। डिज़ाइन रिकॉर्ड का मतलब होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ब्लूप्रिंट्स, या फिर आपका जो है 3D मॉडल, ठीक है, वो सब आपका जो है डिज़ाइन रिकॉर्ड में आता है। दूसरा होता है इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन कराई, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि ये जो एग्रीमेंट होता है वो सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए होता है कि मान लो ये आपने जो है 500 पीस दिए और उसके बाद जो है ये एग्रीमेंट खत्म हो गया, नहीं, ये जो एग्रीमेंट होता है 10 साल के लिए, 5 साल के लिए आपने जो है बनवाना है। तो उस ड्यूरेशन में जो है अगर किसी कार का या किसी भी ट्रैक्टर का, जिसका भी आप मैन्युफैक्चरिंग पार्ट कर रहे हैं, वो उसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो अब ये एग्रीमेंट कंटिन्यू रहेगा, बट आप जो है उसकी जो डिज़ाइन है वो चेंज कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग में कोई अगर मॉडिफिकेशन करते हैं दोनों लोग कि भाई ये जो है दोनों ही पार्टी जो है इस पर साइन करेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट जो रहेगा वो उस जो सेकेंड फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड बना के रखा है। मैं आपको सभी फॉर्मेट्स दिखाऊंगा किस तरीके से आप जो है इनको बना सकते हैं, कैसे आपको हेल्प रहेगी। ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये कोई शेयर जल्दी नहीं करता है, फिर भी जो है मैं आपके साथ जो है कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा ताकि इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलेगी, ताकि आप जो है इसमें ग्रोथ ले सकें, ठीक है। उसके बाद देखो कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। अब कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल में क्या होता है, ये कुछ मॉडिफिकेशन करने की अप्रूवल देता है। अगर मान लीजिए कि कस्टमर बोलता है कि भाई तुम जो है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हमें दे दो, तो वो आप यहाँ पर अगर करते हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहाँ पर, डिज़ाइन डेवलपमेंट की टीम है, तो वो ये एक ऑप्शनल फंक्शन रहता है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके OEM के ऊपर, OEM आपको ये अथॉरिटी देता है या नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद है डिज़ाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। देखो ये भी जो है ऑप्शनल होता है, डिज़ाइन अगर आपकी फेल हो जाती है, आपने जो बनाया और वहाँ पर अप्रूवल के लिए गया, ये फेल हो जाता है, तो आप जो है क्या इफेक्टिव एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर जो है एनालिसिस आपको करनी है कि भाई ये डिज़ाइन आपकी क्यों फेल हो गई। मान लीजिए किसी कंपोनेंट में जो है कुछ एरर हुआ और उसमें पता चला कि आपकी जो डिज़ाइन है वो सही नहीं है, तो ये डिज़ाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। इसका भी मैं एक फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है आप इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है कि भाई जितने भी स्टेप आप फॉलो करेंगे, रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल गया प्री मशीनिंग के लिए, मशीनिंग हुई, ठीक है, उसके ऊपर हार्डनिंग करी, टेम्परिंग करी, केमिकल प्रोसेस किया, हीट ट्रीटमेंट किया, पॉलिशिंग की, फिनिशिंग की, पैकिंग की, उसके बाद जो है आपने डिस्पैच किया, तो ये जितने भी प्रोसेस हैं इनका जो फ्लो हो रहा है, कौन सी मशीन से कहाँ पर जा रहा है, ठीक है, इन हाउस हो रहा है, बाहर करवा रहे हैं, सप्लायर एंड पे करवा रहे हैं, इन सभी का जो डेटा होता है वो सब आपको जो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम में रखना होता है, जिससे कि कोई भी डॉक्यूमेंट देखेगा, टेक्निकल डॉक्यूमेंट देखेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोसेस इतने प्रोसेस से होकर ये निकलेगा और आगे फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। प्रोसेस के अंदर कोई एरर आ जाता है, मान लीजिए कोई स्टेप मिस हो गया और आपने जो है कंपोनेंट को आगे भेज दिया, कहीं से जो है एरर जो है आपने डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो वो जो है प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस के अंदर कवर होता है। उसके अंदर फिर आपको काइजन करना पड़ता है, कापा बनाना पड़ता है, ये सब जो है इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। प्रोसेस के अंदर कोई एरर आता है तब आप जो है प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगा। अब आता है आपका कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान के अंदर जो है आपके सारे प्रोसेस जो है उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई गलती हो रही है तो उसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, क्या उसके ऊपर करेक्टिव मेजर्स करेंगे, किस तरीके से आप उसको कंट्रोल करेंगे, देखेंगे, सुपरवाइज करेंगे, तो उसका जो पूरा स्टेप है वो आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए CNC मशीनिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर कितनी डायमेंशन आएगी, तो उसको कैसे मेजर करोगे, कितने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे, कितनी देर में आप जो है विजुअल इंस्पेक्शन करोगे, क्वालिटी वाला कितनी देर में उसको चेक करेगा, कितने पीस चेक करेगा, ये सब किसके अंडर में आएगा,
ये आपका कंट्रोल प्लान के अंडर में आएगा, और कंट्रोल प्लान को मेंटेन कौन करेगा, ये क्वालिटी मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी ये कंट्रोल प्लान के अंदर आती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंट्रोल प्लान। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि जो है आपको ये मैं बता पाऊँ कि भाई ये जो पीपैप है इसको कैसे बनाना है। बनाने के लिए जो है मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स दिखाऊंगा अपने वीडियोस के थ्रू, ताकि आप जो है ये फॉर्मेट्स आप बना सके। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए थोड़ी सी हेल्प करेगा। इसकी जो डिटेल इंजीनियरिंग है वो हम डिस्कस करेंगे अपने हर एक वीडियो में। हम जो है एक एक डॉक्यूमेंट को उठाएंगे और उसको समझेंगे, और किस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करेंगे, ये सारी सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फटाफट से जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।